हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, मैं काफी दिनों के बाद आज पुंटो को फिर से एक बारी छोटे से राउंड में निकाला हूं एंड छोटा सा सामान मैंने लेना था वो ले लिया है, राशन, क्योंकि यार लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। ये गाइस आपको पहले ही पता है क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ चीप ऑल्टरनेटिव्स टू द एक्सपेंसिव डैम्पिंग शीट्स जो कि कार एक्सेसरी शॉप्स में मिलती हैं। तो काफी मजा आने वाला है गाइस। मेरी एक्चुअली दोनों कार्स के अंदर, पुंटो के अंदर भी और नानो के अंदर भी डैम्पिंग शीट्स लगी हुई हैं, पर दोनों ही अलग अलग मटेरियल हैं एंड दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैंने सोचा यार इतना तो बनता है आप सबके साथ शेयर करना, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। सो एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं गाइस स्टूडियो में एंड वहां पे मैं आपको पहले दो मटेरियल दिखाऊंगा जो एक नानो में और एक है पुंटो में। तो उसके बाद उनके ऊपर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि मैंने पुंटो में कहां कहां लगा रखा है एंड वो दूसरा मटेरियल नानो में मैंने कहां कहां लगा रखा है। तो उसके बाद उनका प्राइस क्या है, वो मटेरियल क्या है बेसिकली एंड उसे क्या चीज है, मतलब इनकी क्वालिटी जो है वो मतलब साउंड डैम्पनिंग के अंदर वो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जो प्राइस है उनका इतना कम कैसे। सो काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं स्टूडियो में। वेलकम टू द स्टूडियो गाइस। तो जो दो मटेरियल्स की खास मैं बात कर रहा था वो है ये दोनों, एक तो ये है और एक इसके अंदर है बहुत सारा, इसका मैं क्लोजअप आपको दिखाई रहा हूँ। सो सबसे पहले गाइस इसकी बात करते हैं, ये है गाइस एक लेटेक्स फोम। बेसिकली अभी जो मैं इसका एक्चुअल जिस नाम के थ्रू मैंने इसको परचेज किया वो मैं आपको बताऊंगा ना, आप शॉक हो जाओगे। ये लेटेक्स फोम होती क्या है बेसिकली, रबराइज फोम होती है यार। ये देखो, आपको क्लोजअप बारे में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ आपको। ये स्ट्रेचेबल रबर की तरह फोम होती है, काफी सॉफ्ट होती है एंड काफी टेंस होती है ये। सो ये एक चीज काफी अच्छी है साउंड के लिए एंड गाइस ये बेसिकली है एक योगा मैट, 10 mm का लेटेक्स फोम वाला योगा मैट जो कि काफी सॉफ्ट रहता है योगा करने के लिए भी एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल। सो इसको मैंने गाइस पुंटो में कहां कहां लगाया हुआ है, पुंटो के गाइस बेसिकली मेरे फ्रंट डोर्स हैं, जो फ्रंट डोर्स के अंदर जब आप जो डोर गार्ड है वो हटाओगे ना, उसके अंदर एक प्लास्टिक की शीट होगी, हर एक गाड़ी के अंदर होती है, वैसे कोई गाड़ी नहीं इसके अंदर ना हो। सबसे पहला काम गाइस आपको ऑडियो इंप्रूव करने के लिए करना है, उस प्लास्टिक शीट को निकाल के बाहर फेंक देना। सबसे बेकार चीज है, मुझे समझ नहीं आया कंपनी से क्यों यूज करते हैं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट सबसे पहले वही चीज आपको हटा के बाहर फेंकनी है। बट अगर आप उसकी जगह कुछ और लगा रहे हो तो ही हटाना उसे, क्योंकि उसका एक पर्पस है। उसका पर्पस ये है गाइस, जैसे हम बारिश वारा में गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को धो रहे हैं, तो विंडो सिल के पास से थोड़ा सा पानी अंदर जाता है। सो वो पानी अंदर तो जा रहा है और नीचे जो डोर है हमारा उसके नीचे छोटे छोटे चैनल्स भी बने होते हैं वो पानी को बाहर निकालने के लिए। बट अगर वो प्लास्टिक की शीट नहीं होती ना, तो वो दूसरी साइड जाता है पानी, बीच में एक डिवाइडर होता है डोर के, वो दूसरी साइड नहीं जाना चाहिए। वहां पे एक तो प्लास्टिक है, आपका पावर विंडो कंट्रोल्स है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सब खराब हो सकता है उस चक्कर में। सो इसकी वजह से वहां पे प्लास्टिक होता है। लेकिन अगर आप इस टाइप का कोई मटेरियल या फिर कोई भी मटेरियल लगा रहे हो, बट ये चीज बहुत सस्ती है, इसका 6 feet by 2 feet का जो रोल हमें मिलता है वो 500 से 700 रुपए का मिल जाता है। ब्रांड पे मत जाना गाइस, मटेरियल सेम है, लेटेक्स फोम होनी चाहिए, 10 mm की लेना सबसे बढ़िया, ये 10 mm एकदम जबरदस्त है, देख रहा हूँ क्या थिक है ये। सो ये चीज आपने नोटिस कर रही है उसके अंदर, गाड़ी के अंदर। तो ये गाइस मैंने अंदर वाली साइड डोर के, अभी मैं अनफॉर्चुनेटली आपको खोल के दिखा नहीं सकता, मेरे पास भी कुछ पुराने स्टॉक शॉट्स पड़े होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। ये डोर के जो बिल्कुल अंदर वाली साइड है मेटल का, जहाँ पे हमारा समझ लो जो शीट है उसके अंदर भी लगेगा एंड इसको लगाने के लिए हम यूज करते हैं गाइस हीटेक्स को, या फिर SR998 हो गया फेविकॉल का, पीडी लाइट का बेसिकली, या फिर SR505 भी इसके लिए अच्छा वर्क करता है। अगर हीटेक्स ले लो तो देयर इज नथिंग लाइक इट, क्योंकि उसमें हीटेक्स बेस्ट है। तो क्या करना है, छोटा सा ब्रश लेना है, इसको पीसेस में काटना है, हीटेक्स इसमें लगाना है, थोड़ा सा डोर पे लगाना है, अंदर वाली साइड चिपका देना है, दैट्स इट। एक बार का काम है, मुझे कई साल हो चुके हैं ये चीज कर रहे हैं, इसलिए मेरा कोई वीडियो नहीं है चैनल पे, अदरवाइज तो पूरी इंस्टॉलेशन का मैं आपको वीडियो दे देता यार, बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूबिंग स्टार्ट करने से बहुत पहले ही काम मैंने किया था। सो ये तो रहा पुंटो का एंड अब जो चीज मैं नैनो में यूज कर रहा हूँ वो इससे काफी डिफरेंट है। एक्चुअली ये मैंने उस टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता नहीं, हाँ उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये लेटेक्स फोम है, वो जो चीज है वो है ये, ये है बेसिकली गाइस इंसुलेशन फोम। इंसुलेशन बेसिकली कहाँ यूज होती है, ये आप हीट जो चीजें आइटम कोई हीट कर रही हो ज्यादा, ये हीट पे भी काम करता है, ये कोल्ड पे भी काम करता है एंड ये साउंड पे भी काम करता है।
इसकी ये चीज सबसे अच्छी है एंड इसकी कॉस्ट गाइस बहुत कम है। इसकी बस एक ही प्रॉब्लम थी कि ये बहुत थिन है, ये आई थिंक 4 mm का है। सो इसका हमें क्या करना होता है कि इसको या तो 2 sheets लगा दो यार, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। अभी भी देखो इस पूरी गाड़ी में मेरी नैनों में लगी हुई है, उसके बाद ये काफी बड़ा थैला भर के मेरे पास आज भी ये है एंड ये रखी हुई थी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये मिट्टी खा रही थी, क्योंकि और कोई इसका काम नहीं समझ में आ रहा। सो ये नैनो के मैंने दो बूट है जो वहाँ पे भी काफी बड़ी शीट लगाई है, सारे डोर्स में भी लगाई है एंड डोर्स के जो मैंने जो पैनल्स डिजाइन किए थे जो वुड के पैनल्स मैंने डिजाइन किए थे उसके ऊपर एक वीडियो है, वो यहीं का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स रहते हैं। उसके अंदर आप देखो तो डोर के पीछे वाली साइड पे भी ये मैंने लगा रखी है। तो अब नैनो एक्चुअली काफी मतलब क्या बोले यार, रिफाइंड नहीं है इतनी, 2 cylinder इंजन यूजुअली काफी लाउड होते हैं और नैनो के शीट मेटल वगैरह भी काफी थिन है तो उसमें बाहर से आवाजें भी आती है। लेकिन जब से ये इंस्टॉल की है तब से कई बार ऐसे सिचुएशंस होती है कि मुझे ये भी नहीं पता होता कि इंजन ऑन है कि नहीं है, तो सोचो कितनी बड़ी चीज है। एंड गाइस इसकी कॉस्ट तो खैर इससे भी कम है, ये 6 feet by 2 feet का रोल आपको अराउंड मिलता है कितने का, 600 rupees के आसपास मिल जाएगा। एक बार अमेजोन पे देख लेना, आजकल तो बंद पड़ा है, कल शायद चालू हो रहा है वापस से 20th से, तो देख लेना 10 mm का लेना ये लेते हो तो ये चीज बहुत बढ़िया है। अगर ये एक्चुअली इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, ये एक्चुअली मैंने किसी से मंगवाई थी जो कि ये इंडस्ट्रीज वगैरह में जो होटल्स वगैरह में इंसुलेशन के लिए यूज होती है फोम, ये चीज वो है एंड ये बहुत ही सस्ती थी, मेरे ख्याल से 150-200 rupees मीटर के आसपास से मुझे मिली है, शायद इससे कम थी या 100 rupees मीटर थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा जैसे मुझे एग्जैक्ट प्राइस का याद आ जाएगा, जिसके थ्रू मैंने मंगवाई थी उससे मेरी एक बड़ी बात हो जाएगी, तो मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा इसके प्राइस के लिए। तो ये गाइस पूरी नैनो के अंदर मेरी बिछी हुई है, मैं अब एक्चुअली इतनी मेरे पास बची हुई है तो मैं सोच रहा हूँ कि अंडर फ्लोर भी इसको लगा दूँ, बट बहुत ज़्यादा मेहनत है उसके अंदर इसलिए लगाई। एंड इसका गाइस इंस्टॉलेशन का पर्पज भी, इंस्टॉलेशन का तरीका भी एग्जैक्टली द सेम है इसके जैसा, सिर्फ एक हीटेक्स या SR998 या SR505 आपने बिल्ड कर लेना है, इसको अप्लाई करना है एंड चिपका देना, दैट्स अबाउट इट, बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ जाता है। तो जो आप सोच रहे होगे यार कि इससे अच्छा तो हम किसी भी एक्सेसरी वाले से जो एक्चुअल डैम्पिंग मटेरियल होता है वो लगा लेते हैं, बेसिकली गाइस जो वो आप डैम्पिंग मटेरियल की बात कर रहे हो उसका अगर मटेरियल देखा जाए, मटेरियल गाइस उसका होता है ब्यूटाइल रबर और उसके ऊपर एल्यूमिनियम की शीट होती है, जो फॉइल नहीं होता हमारा एल्यूमिनियम का वो। सो ब्यूटाइल रबर, अगर एक रबर की शीट ही लेनी है तो लेटेक्स फोम, रबराइज्ड फोम उसका बेटर ऑप्शन है। तो अगर आप ये चीज ले सको तो देयर इज नथिंग लाइक इट। एक तो ये मोटा है काफी, इसके ऊपर एल्यूमिनियम शीट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है एंड मैं आपको एक अभी साउंड का एक छोटा सा डेमो देता हूँ, मतलब मेटल पे ये कैसे वर्क करता है। जो मेरा एक्चुअली जो टेबल है मैं उसके ऊपर आपको पहले ऐसी नॉक करके दिखाऊंगा कैसी टन टन की आवाज आती है एंड उसके बाद इसको रख के अगर मैं इसको मारता हूँ तो कैसी आवाज आती है, तो उससे आपको क्या क्लैरिफाई हो जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव शोन एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू टुडे। सो अगर कुछ भी अच्छा लगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तो गाइस एक लाइक छोड़ देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड शेयर शूट कर दे रहना। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ये वीडियो एंड होगा इसके डेमो से। ओके गाइस बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर एंड अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, बाहर नहीं जाना और पूरी सेफ्टी बरतना गाइस, बाय। ऑलराइट गाइस ये है मेटल, मस्त आवाज आ रही है ना, अब इधर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, कितना ज्यादा फर्क पड़ गया ना।